भारत के खतरनाक राफेल लड़ाकू विमान पहली बार किसी पश्चिमी देश पहुंच रहे हैं। राफेल भारत का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। राफेल पहली बार विदेशी आसमान में नाटो देशों के साथ उड़ान भरने वाला है। ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने भारत को नाटो में शामिल होने का लालच दिया है, लेकिन अमेरिका के चंगुल से बचते हुए भारत ने यहाँ एक बड़ा खेल कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारतीय लड़ाकू विमान का नाटो देश में पहुंचना रूस पर क्या प्रभाव डाल सकता है। आपको बता दें कि भारत का राफेल फ्रांस में एक बेहद ही बड़े युद्धाभ्यास में पहुंच रहा है। इस युद्धाभ्यास के बारे में आपको पता चलेगा तो आप भी एक बार हैरत में पड़ जाएंगे। इस बड़े युद्धाभ्यास में नाटो देशों के हजारों सैनिक शामिल हैं। अंदाजे के मुताबिक इसमें फ्रांस और नाटो सहयोगियों के करीब 19,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़ा वॉर गेम फ्रांस में शुरू भी हो चुका है और इसमें भारत को खास तौर पर बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल वॉर गेम है जिसका नाम ओरियन रखा गया है। आपको जानकर अचंभा होगा कि इस मल्टीनेशनल वॉर गेम में रूस और यूक्रेन युद्ध की झलक दिखेगी। इस वॉर गेम में हिस्सा ले रहे सैनिकों के लिए एक कहानी तैयार की गई है जिसमें एक काल्पनिक देश बनाया गया है। इस देश का नाम आयरलैंड है। आयरलैंड नाम का यह काल्पनिक देश फ्रांस का मित्र देश भी है। आयरलैंड पर उसका एक पड़ोसी ताकतवर देश मक्योर हमला कर देता है। मक्योर भी एक काल्पनिक देश बनाया गया है। मक्योर जैसे ही आयरलैंड पर हमला करता है तो आयरलैंड अपने सहयोगियों से मदद मांगता है और हथियार भी मांगता है। ये काल्पनिक कहानी सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में रूस और यूक्रेन ही आएंगे। इस वॉर गेम में यूक्रेन को आयरलैंड की तरह से दिखाया गया है और रूस को मक्योर। बहरहाल अब भारत का इस युद्ध अभ्यास में पहुंचना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। रूस पहले से ही इस युद्ध अभ्यास को लेकर भड़का हुआ है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत किसी तरह से नाटो ज्वाइन कर ले। भारत अगर नाटो ज्वाइन कर लेता है तो ये रूस के लिए बड़ा झटका होगा। भारत अगर गलती से नाटो में शामिल हो जाता है तो उसे नियमों के मुताबिक नाटो समूह के 31 देशों के हर विवाद में सहभागी बनना होगा। यानी भारत नाटो ज्वाइन करते ही रूस के दुश्मन देशों में शामिल हो जाएगा और रूस पर आक्रमण करने के लिए भारत को पश्चिमी देशों का साथ देना पड़ेगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत ने फैसला किया है कि वो नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। भारत बस इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेकर नाटो देशों के साथ अपने संबंधों को ठीक रखेगा, लेकिन रूस के खिलाफ जाते हुए नाटो का सदस्य कभी नहीं बनेगा।